बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस पी एस टी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। आज हम उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों जो 2022 में आपकी परीक्षा में पूछे जाने हैं। साथ ही साथ ऐसे छात्र छात्राएं जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर यानी जिनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर दोनों एक साथ हो रहा है तो उनके लिए फर्स्ट सेमेस्टर का पहले मैंने मॉडल पेपर दे दिया था, सॉल्यूशन भी दे दिया है, आप वो देख लीजिए। और सेकंड सेमेस्टर का मॉडल पेपर मैंने पहले प्रोवाइड करा दिया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कम से कम 30 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो फटाफट से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप सबको पता है दोस्तों कि आपके जो सेकंड सेमेस्टर में बीएससी सेकंड सेमेस्टर में जो आपकी केमिस्ट्री है वो है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास के अंतर्गत। उसके बाद में जो कल की क्लास होगी उसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लास के टाइम पर यानी कि रोज़ रात 8 बजे आपकी क्लास होती है तो आप क्लास के टाइम पर लाइव आ जाया करिए। डेली 8 बजे क्लास चलेगी, या केमिस्ट्री की हो या जूलॉजी की क्लास आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ऑब्जेक्टिव के लिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव की क्लास आज 9 बजे रात को चलेगी। जो भी छात्र छात्राएं जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है 26 और 27 तारीख के बीच में वो आज 9 बजे आएंगे जहां पर हम मॉडल साल पेपर डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर का। चलिए पहला प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया है दोस्तों आपसे व्हाट आर पॉलीमर्स राइट दियर करेक्टरिस्टिक, पॉलीमर क्या है इसकी विशेषताएँ लिखिए। ये क्वेश्चन जब पूछा जाएगा दोस्तों तो ये आपसे शॉर्ट आंसर में पूछ लिया जाएगा यानी 200 शब्दों में जहाँ पर आंसर आपको लिखना होगा। लेकिन जो आपसे शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा केवल पॉलीमर, पॉलीमर क्या होते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे इसी प्रकार से पॉलीमर और लिखेंगे द पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड विच आर फॉर्मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप। दोस्तों पॉलीमर उच्च आणविक भार के यौगिक होते हैं जो एक ही या विभिन्न प्रकार के बड़ी संख्या में छोटे अणुओं के संयोजन द्वारा बनते हैं। द स्मॉल मॉलिक्यूल बिल्डिंग द पॉलीमर आर कॉल्ड मोनोमर, पॉलीमर के बनने वाले छोटे अणुओं को मोनोमर कहा जाता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है दोस्तों व्हाट इज मोनोमर, तो मोनोमर क्या है, तो आप लिखेंगे द स्मॉल मॉलिक्यूल वोल्डिंग अप जो छोटे छोटे अणु पॉलीमर को बनाते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, मोनोमर कहा जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीमर बाय द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। दोस्तों बड़ी संख्या में मोनोमर्स के रासायनिक संयोजन में बहुलक का निर्माण जो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो ये रहा आपके पहले प्रश्न का आंसर। आज मैंने उन्हीं प्रश्नों को चूज किया दोस्तों जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया है व्हाट इज ड्रग डिस्कवरी, ड्रग की खोज क्या है। व्हाट इज ड्रग डिस्कवरी यानी ड्रग खोज क्या है, या ड्रग भी पूछा जा सकता है कि ड्रग क्या है। तो यहाँ पर डिस्कवरी पूछा गया, ड्रग डिस्कवरी, ड्रग डिस्कवरी क्या होती है। आप लोग आंसर लिखेंगे कि ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस थ्रू विच द पोटेंशियल न्यू मेडिसिन आर आइडेंटिफाइड, इट इन्वॉल्व ए वाइड रेंज ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन्स इंक्लूड द बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी। दोस्तों दवा की खोज वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम संभावित नई दवाओं की पहचान की जाती है। इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और औषधि विज्ञान सहित वैज्ञानिक विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। इन्हें हम ड्रग डिस्कवरी के नाम से जानते हैं। एक बार मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ड्रग डिस्कवरी इज द प्रोसेस थ्रू विच द पोटेंशियल न्यू मेडिसिन आर आइडेंटिफाइड, दवा की वह
खोज, दवा की जो खोज है वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम यानी जिसके मध्य संभावित जो आने वाली दवाएं हैं उनकी पहचान की जाती हैं, जिसमें शामिल कौन कौन से हैं, आपकी जीव विज्ञान, आपका रसायन विज्ञान और औषधि विज्ञान सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है ड्रग डिस्कवरी में। ठीक है, तो इतना ही आपको आंसर लिखना है। इसी से रिलेटेड दूसरा प्रश्न बन सकता है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है, दूसरा प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि व्हाट इज ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिज़ाइन और विकास क्या है, ये भी प्रश्न बन सकता है आपसे शॉर्ट आंसर में। तो आप लोग आंसर क्या लिखेंगे, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उतने ही शब्दों में अगर आप आंसर लिखते हैं, ठीक है, आपको सबको पता है कि आपका जो शॉर्ट आंसर है ये किसी यूनिवर्सिटी में जो आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट में पूछा जाता है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है और किसी किसी में शॉर्ट में पूछा जाता है। यानी यही क्वेश्चन अगर आप 50 शब्दों में लिखेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके लिए आपको 5 नंबर दे देंगी और कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके लिए केवल और केवल आपको 2 नंबर, जैसे कि अवध यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आप पहला देख सकते हैं इसमें कि व्हाट इज ड्रग डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ड्रग डिज़ाइन और विकास क्या है। तो आप आंसर लिखेंगे दोस्तों कि क्लिनिकल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्व द टेस्टिंग द ड्रग ऑन द ह्यूमन वॉलंटियर्स टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिविटीज। दोस्तों पूछा गया है आपसे, बताया गया है कि जो आपका ड्रग डिज़ाइन और विकास है, क्लिनिकल डेवलपमेंट मतलब होता है कि नैदानिक विकास, क्या होता है नैदानिक विकास, जिसे नैदानिक परीक्षण के रूप में भी जाना जाता है, जो क्लिनिकल डेवलपमेंट होता है उसे हिंदी में कहते हैं नैदानिक विकास, इसे हम नैदानिक परीक्षण के रूप में भी जान सकते हैं। तो नैदानिक परीक्षण के रूप में जान सकते हैं, इसकी सुरक्षा और प्रभावशीलता के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मानव स्वयंसेवकों के दवा के परीक्षण करना शामिल होता है। बाय द एंड ऑफ द क्लिनिकल डेवलपमेंट फेज मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स विल हैव बीन एलिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। दोस्तों इसमें आपको बताया गया है, क्या बताया गया है कि नैदानिक विकास चरण के अंत तथा अधिकांश अनुसंधानात्मक नई दवाओं को सुरक्षा और प्रभावशीलता के आधार पर समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि इतना ही आपको आंसर लिखना है, जब भी आपसे ड्रग डिज़ाइन और विकास से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सीधा आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं दोस्तों कि क्लिनिकल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्व द टेस्टिंग द ड्रग ऑन द ह्यूमन वॉलंटियर्स टू प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, इतना आप अगर लिख देते हैं तब भी आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज को फैक्टर, जो आपको प्रश्न मिलेगा दोस्तों वो मिल जाएगा को फैक्टर के नाम से, और ये अवध यूनिवर्सिटी में 2019 में पूछा भी गया है दोस्तों, सेमेस्टर वाइज प्रणाली में पूछा गया है ये। ठीक है, क्या पूछा गया है को फैक्टर के बारे में। तो को फैक्टर इज ए नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड और मेटालिक आयन डेट इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम एक्टिविटी एज कैटालिस्ट। कोफैक्टर जो है एक गैर प्रोटीन रासायनिक यौगिक या धातु आयन है जो उत्प्रेरक के रूप में एक एंजाइम की गतिविधि के लिए आवश्यक होता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 2022 में। जिन लोगों का एग्ज़ाम होना है, सेमेस्टर सेकेंड का एग्ज़ाम जिनका होना है, ठीक है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये क्लास जो है सभी के लिए अनिवार्य है दोस्तों। आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के हों, आप, मैं बार बार यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, जैसे हो गया कि अवध यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ नगर यूनिवर्सिटी हो गई, बलिया यूनिवर्सिटी हो गई, बिहार यूनिवर्सिटी से हो गए आप, DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर हो या पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, जहाँ पर भी रिटर्न पैटर्न पर एग्ज़ाम होना हो, MP से हो, राजस्थान से हो, यानी ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, और NEP यानी नई एजुकेशनल पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो लागू हुई है वो आप में लागू हो चुकी है, तो आप सभी का सिलेबस सेम है, यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, यही सिलेबस है आपका। ठीक है, अब आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे
यूनिवर्सिटी के लिए है या नहीं, तो ये आप सब की यूनिवर्सिटी के लिए है, आप लोग इन प्रश्नों को तैयार करेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है दोस्तों शॉर्ट टेंशन में पूछा जाएगा आपसे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा व्हाट इज एंजाइम, एंजाइम क्या होती हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे एंजाइम और लिखेंगे एन एंजाइम इज ए प्रोटीन विच स्पीड अप ए बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड जनरली साइंटिफिक फॉर द रिएक्शन। एंजाइम एक प्रोटीन है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। एंजाइम क्या है दोस्तों, एक प्रकार की प्रोटीन है जो किसी जैविक रासायनिक जो किसी एक जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है। जस द एंजाइम आर द ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, और एंजाइम जो है एक प्रकार का ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होता है दोस्तों। दे आर प्रेजेंट इन द ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन विच कीप ऑर्गेनिज्म लाइव। दोस्तों अतः जो एंजाइम जो होता है वो कार्बनिक उत्प्रेरक होता है। एंजाइम क्या होता है, एक प्रकार का कार्बनिक एंजाइम होता है और ये लगभग सभी जैविक रासायनिक क्रियाओं में उपस्थित होते हैं। एंजाइम इनेबल रिएक्शन टू अकर अंडर द फाइकोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जो जीवों को जीवित रखती है एंजाइम कारक दशाओं में भी अभिक्रियाओं को संपन्न करने में सामर्थ्य होते हैं। आगे बढ़ेंगे देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ द एंजाइम दीज बायोलॉजिकल रिएक्शन वुड प्रोसीड टू स्लोली, यानी एंजाइम की अनुपस्थिति में जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो अत्यंत धीमी होती हैं, यानी धीमी संपन्न होती हैं। ठीक है, एंजाइम एमंग द मोस्ट इफिशियंट कैटालिस्ट नोन, यानी एंजाइम को ज्ञात उत्प्रेरक में सबसे दक्ष शामिल होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं हिंदी में बताने का प्रयास करूंगा आप सबको कि एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाती है तथा अभिक्रिया के लिए प्रायः विशिष्ट होती है। ये जो एंजाइम होती है वो कार्बनिक उत्प्रेरक होती है और लगभग सभी जैव रासायनिक क्रियाओं में अभिक्रियाओं में उपस्थित होती हैं। और ये क्या है, ये जीवों को जीवित रखती हैं। एंजाइम जो है ये कार्यिक दशाओं में अभिक्रियाओं को संपन्न करने में सामर्थ्य रखते हैं। ठीक है, इतना ही आपको आंसर लिखना है, केवल और केवल आपको इतना आंसर लिख देना है कि एन एंजाइम इज ए प्रोटीन विच स्पीड ए बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड इज द जनरली साइंटिफिक फॉर द रिएक्शन। दस द एंजाइम आर ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, दे आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शन विच कीप ऑर्गेनिज्म अलाइव। एंजाइम इनेबल रिएक्शन टू अकर अंडर द फाइकोलॉजिकल कंडीशन। ठीक है, इतना ही आपको लिख देना है आंसर में। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को मेरे लाइक कर दीजिए जल्दी से। आप लोग लाइव आ जाते हैं, क्लास भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों आपसे कोई फीस नहीं ली जाती है, बिल्कुल मुफ्त में आपको क्लास दी जाती है, तो आप लोग का फ़र्ज है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, नए स्टूडेंट अब आप विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देते हैं, इसका PDF दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा या वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप डायरेक्ट आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दोस्तों रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछा जा सकता है, कभी कभी नॉन रिड्यूसिंग शुगर पूछ लिया जाता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। हिंदी में इसे कहते हैं अपचाई व अनापचाई शर्करा में अंतर। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे कि रिड्यूसिंग डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब आपको आंसर क्या लिखना है, आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं कॉपी में, जैसे कि आप दो प्रकार से ऐसे लिख सकते थे, इधर आप पार्ट कर देते थे इधर रिड्यूसिंग और इधर नॉन रिड्यूसिंग। लेकिन अगर इस प्रकार से संभव हो तो इस प्रकार से लिखें, थोड़ा सा लैंग्वेज जो होता है वो लंबा हो जाता है, तो लाइनिंग की संख्या एक ही क्वेश्चन में एक ही टॉपिक में ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए ऐसा करना संभव नहीं होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर सुटेबल इसी तरह से है, तो इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि आपको इधर नॉन रिड्यूसिंग कर देना, इधर रिड्यूसिंग और इधर नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, चलिए आंसर क्या लिखेंगे,
आंसर आप लिखेंगे मॉलिक्यूल विच आर एबल टू रिड्यूस द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेटालिक आयन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान देंगे कि मॉलिक्यूल विच आर एबल टू रिड्यूस द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेटालिक आयन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। एक मुक्त कार्बोनिक समूह युक्त कार्बोहाइड्रेट में विविधता धनात्मक आयनों के घोल को अपाचित करने की सामर्थ्य होती है। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम अपचाई शर्करा के नाम से भी जान सकते हैं। या आपको इतना ही ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल वो ऐसा मॉलिक्यूल विच एबल जो एबल हो योग हो टू रिड्यूस जो क्या करे रिड्यूस करने में रिड्यूस द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट मेटालिक आयन आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। मोनोसैकेराइड लाइक ग्लूकोज फ्रक्टोज ग्लैक्टोज आर रिड्यूसिंग शुगर। देखिए मोनोसैकेराइड की बात करें तो जैसे कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज हो गया फ्रक्टोज हो गया ग्लैक्टोज हो गया ये क्या है एक प्रकार के रिड्यूसिंग शुगर हैं। दे हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होती है कार्बोनिल ग्रुप थ्री होती है यानी कि फ्री कार्बोनिल ग्रुप होती है C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है। तो डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड डू नॉट हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बीच में यानी दोनों के पास फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है सो दे आर नॉट एबल टू रिड्यूस मेटालिक आयन। इसीलिए ये जो है अनयोग होते हैं मेटालिक आयन को रिड्यूस करने में। ठीक है, तो सच शुगर्स आर कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जैसे कि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड ये इनके पास क्या होता है फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता है और ये अनयोग होते हैं मेटालिक आयन को रिड्यूस करने में इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहे जाते हैं इनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। द रिड्यूसिंग शुगर है फ्री एल्डोज और कीटोज ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होता है फ्री एल्डोज और कीटोज ग्रुप होता है। दे है पॉजिटिव रिजल्ट ये पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं फेलिंग सोल्यूशन के पास यानी कि जो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनके पास पॉजिटिव रिजल्ट आता है फेलिंग सोल्यूशन जब फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनके साथ क्या आता है पॉजिटिव रिएक्शन आता है पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, इतना आपको लिखना है डिफरेंस के अंदर। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है एम्पीमर्स क्या होती हैं। एम्पीमर्स क्या होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ लिया जाता है व्हाट इज डिफाइन एम्पीमर्स। तो एम्पीमर्स क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट द कार्बन अदर देन एनोमरिक कार्बन आर कॉल्ड एम्पीमर्स। कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन के अलावा अन्य एनोमेरिक कार्बन की तुलना में विन्यास में भिन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है एम्पीमर्स कहा जाता है। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है एम्पीमर्स कहा जाता है। ठीक है, एक बार मैं रिवीजन करूँगा। ठीक है, एम्पीमर्स तो एम्पीमर्स क्या होता है कार्बोहाइड्रेट विच डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट ए कार्बन अदर देन द एनोमेरिक कार्बन आर कॉल्ड एम्पीमर्स। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड मनोज डिफर द कॉन्फिगरेशन अराउंड टू C2 एंड हेंस आर C2 द एम्पीमर्स इन द सिमिलर बेस ग्लूकोज एंड ग्लाइक्टोज आर C4 एनिमर्स। हिंदी में समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए इसमें आपसे पूछा गया था कि एम्पीमर्स क्या होती हैं। तो एम्पीमर्स में आपको ध्यान देना है कि कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन के अलावा अन्य एनोमेरिक कार्बन की तुलना के विन्यास में भिन्न हो उन्हें हम एम्पीमर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लूकोज और मैनोज C2 के आसपास विन्यास में भिन्न भिन्न होते हैं और ये एलिल C2 एम्पीमर्स होते हैं इसी तरह ग्लूकोज और ग्लाइकोज में C4 एम्पीमर्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर के लिए। तो मैंने आप लोगों को बताया रिड्यूसिंग शुगर जो होते हैं वो डाइसैकेराइड कंटेन करते हैं इनके पास जो होता है वो क्या होता है C डबल बॉन्ड O होता है यानी फ्री कार्बोनिलिक समूह होता है। लेकिन नॉन रिड्यूसिंग शुगर के पास क्या होता है इनके पास फ्री कार्बोनिलिक ग्रुप नहीं होता है जैसे कि मोनोसैकेराइड और माफ करिएगा डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के पास क्या होता है इस फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप नहीं होता है फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं होता C डबल ओ
नहीं होता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आपके डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। और रिड्यूसिंग शुगर के अंतर्गत कौन आते हैं, आपका मोनोसेकेराइड जो होता है वो एक प्रकार का डाइसेकेराइड होता है, जैसे एल्डोज एंड कीटोज, ठीक है। और डाइसेकेराइड एक्सपेक्टेड टू सुक्रोज रिड्यूस फिलिंग सोल्यूशन टालन रेजेंट। दोस्तों चीनी सुक्रोज को छोड़कर सभी मोनोसेकेराइड एल्डोज और कीटोज ये क्या है, डाइसेकेराइड फिलिंग ब्लेंड के साथ, घोल के साथ, ये टालन अभिकर्मक के साथ क्या देते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, इन्हें हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग से आप लोग परिचित हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि रिड्यूसिंग शुगर जो होगा वो फ्री कार्बोनल ग्रुप कंटेन करता है, लेकिन नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर होता है वो कंटेन नहीं करता है, जैसे कि आपका डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। इसके अंतर्गत जितने भी हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। और सी डबल ओ जैसे कि मोनोसेकेराइड, इनके जैसे एल्डोस और कीटोस, ये सब क्या हैं, एक प्रकार के रिड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या पूछा गया है आपसे, पूछा गया है रफ डिग्रेडेशन, व्हाट इज रफ डिग्रेडेशन, रफ डिग्रेडेशन क्या होता है। तो आप हेडिंग डालेंगे रफ डिग्रेडेशन, आप लिखेंगे कि इन दिस मेथड एन एल्डोस, इन दिस मेथड एन एल्डोस इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज विथ ब्रोमीन वाटर टू कॉरेस्पॉन्डिंग द एल्डोनिक एसिड विच इज देन कन्वर्ट इंटू द कैल्शियम साल्ट बाई ट्रीटमेंट विद द कैल्शियम कार्बोनेट। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूछा गया है आपसे कि रफ डिग्रेडेशन क्या होता है। तो इस विधि में दोस्तों क्या होता है, इस विधि में एक एल्डोज को पहले ब्रोमीन के पानी से संबंधित जो एल्डोनिक एसिड में क्या किया जाता है, ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ उपचयित करके इसे कैल्शियम लवण में बदल दिया जाता है, ठीक है। यही प्रक्रिया जो होती है वो रफ डिग्रेडेशन कहलाती है। तो आप लिखेंगे किस प्रकार से, अगर आपसे हिंदी में आंसर लिखना है तो हिंदी में आप लिखेंगे कि इस विधि में एक एल्डोज को पहले ब्रोमीन के पानी से संबंधित एल्डोनिक एसिड में ऑक्सीकृत किया जाता है, जिसके बाद में कैल्शियम कार्बोनेट के साथ क्या किया जाता है, उपचरित करके इसे कैल्शियम लवण में बदल दिया जाता है। तो कैल्शियम लवण क्या हो जाता है, कैल्शियम लवण जब है, कैल्शियम लवण तब फेंटन के अभिकर्मक यानी Fe3+ आयनों की उपस्थिति में H2O2 के साथ उपाचयित किया जाता है, जब इनमें से निम्न एल्डोज देने यानी कि C1 और C2 बंधन के बीच में ऑक्सीडेटिव दरार हो जाता है, और इसी दरार को क्या कहते हैं, रफ डिग्रेडेशन कहते हैं, ठीक है। तो रफ डिग्रेडेशन जब भी आपसे पूछा जाए, आप लिखेंगे इन दिस मेथड एन एल्डोस इज फर्स्ट ऑक्सीडाइज विथ ब्रोमीन वाटर द कॉरस्पॉन्डिंग एल्डोनिक एसिड विच इज देन कन्वर्ट इंटू कैल्शियम साल्ट बाई ट्रीटमेंट विद द कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। द कैल्शियम साल्ट इज देन ट्रीटमेंट विच फेलिंग रेजेंट, फेलिंग रेजेंट क्या है, H2O2 इन प्रेजेंट इन Fe3 आयन व्हेन द ऑक्सीडेटिव क्लेवेज अकर्स बिटवीन C1 एंड C2 बॉन्ड टू गिव द लोअर एल्डोस, ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दिया गया है, आप प्रश्न तैयार करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ DNA एंड RNA। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि DNA क्या है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है RNA क्या है। DNA को क्या कहते हैं दोस्तों, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो कभी कभी ये शॉर्ट आंसर में भी पूछा जाता है, और जब ये शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा तो DNA और RNA में डिफरेंस पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में आप लोग को दिया है, DNA एंड RNA में डिफरेंस। तो DNA और RNA में डिफरेंस क्या होता है, आपको तैयार करना है, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो आप हेडिंग डाल देंगे डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA यूजिंग
यूजिंग डाटा ऑब्टेंड फ्रॉम मैनी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जेडी वर्डसन एंड एचएफसी क्रिक्स 1953 सो दैट डीएनए हैज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर विथ टू पॉलीन्यूक्लोटाइड चैन कंटेन बाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंड रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोस्तों कई अलग अलग प्रयोग के बाद में प्राप्त डेटा का उपयोग करते हुए बहुत प्रयोग किए गए और उन प्रयोग के बाद में जो उनसे प्राप्त डाटा जो उसका जो डॉक्यूमेंट बचा डाटा बचा उनका प्रयोग करते हुए दो वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक थे जी डी वाटसन और दूसरा थे एचएफसी क्रिक, जिन्होंने 1953 ने बताया कि डीएनए एक दोहरी कुंडली संरचना की होती है। डीएनए क्या है, एक प्रकार की दोहरी कुंडली संरचना की बनी होती है जिनमें दो पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, इनमें दो पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है और विपरीत दिशा में चलती हैं। ये किसने बताया, ये बताया जे डी वाटसन और एच एफ सी क्रिक महोदय ने। इन्होंने क्या बताया दोस्तों, इन्होंने बताया कि कई प्रकार के सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया, बहुत सारे प्रयोग किए और उसके बाद में जो पर्याप्त जो उपयोग करने के बाद जो डाटा बचा उस डाटा से इन्होंने पता लगाया, कब पता लगाया 1953 में, कि जो डीएनए है एक दोहरी कुंडली संरचना की है और इसमें दो पाली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है और विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, चलिए तो आप आंसर क्या लिखेंगे, आप आंसर लिखेंगे कई अलग अलग प्रयोगों से प्राप्त डाटा का उपयोग करते हुए जे डी वाटसन और एफ एच सी क्रिक ने 1953 में बताया कि डीएनए एक दोहरी कुंडली संरचना की होती है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है और विपरीत दिशा में चलती है। ठीक है, इतनी बात जो है जेडी और एफ एच सी क्रिक महोदय ने बताया। अब आगे हम देखते हैं क्या बताया, बिसाइड द केमिकल एनालिसिस डीएनए वाज आल्सो स्टडीज बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। रासायनिक विश्लेषण के अलावा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए का भी अध्ययन का आधार अब माना जाता है या अब बनाया गया है। ठीक है, क्या बनाया गया है दोस्तों, बिसाइड केमिकल एनालिसिस डीएनए आल्सो स्टडीज बाय एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्टडीज फॉलोइंग फीचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल आर नोन एज, यानी कि रासायनिक विश्लेषण के अलावा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए का भी अध्ययन के आधार पर अब जाना जाता है। अब कौन सा आधार है, पहला दिया गया है डीएनए हैज द हेलिकल स्ट्रक्चर विथ ए डायमीटर ऑफ 20 एंगस्ट्रॉम एंड पिच वन राउंड ऑफ अबाउट 34 एंगस्ट्रॉम। डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम के व्यास और लगभग 34 एंगस्ट्रॉम के पिच के साथ एक कुंडली संरचना होती है। ठीक है, ये किसने बताया था, दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। इतना ही आपको लिखना है अगर यही क्वेश्चन आपसे सॉल्व। अगला प्रश्न पूछा गया है जेनेटिक कोड से और ये पूछ लिया जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह आपसे पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड क्या है। अब आप आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, आपको आंसर लिखना है द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए इज डिकोडेड इनटू ए पॉलीपेप्टाइड इन द एग्जिस्टिंग स्टोरी एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंट ए ग्रेट अचीवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी इन द बायोलॉजी। अनुवांशिक कोड एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा आरएनए में जानकारी को पॉलीपेप्टाइड में डिकोड किया जाता है। अनुवांशिक एक रोमांचक कहानी है, जो अनुवांशिक कोड है एक प्रकार की रोमांचक कहानी है और इसकी समझ हमें जीव विज्ञान में 20वीं शताब्दी की एक महान उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करती है। जो जेनेटिक कोड है दोस्तों
वो 20वीं सदी की जीव विज्ञान की 20वीं सदी की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जानी जाती है, एक महान उपलब्धि के रूप में जानी जाती है। और इसका प्रतिनिधित्व किन्होंने किया था, इसका प्रतिनिधित्व लगभग काफ़ी वैज्ञानिक थे, इनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं और मैं बताऊँगा। मार्शल निरेनबर्ग और सर्वेर वोरो ओचुआ हरगोविंद खुराना फ्रांसिस क्रिक ने अनुवांशिक कोड को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन्होंने पता लगाया था कि आरएनए में जिस क्रम में बेस न्यूक्लियोटाइड व्यवस्थित हैं वो क्यों हैं और किस प्रकार से हैं। तो ये है अनुवांशिक कोड की कुछ जानकारी। अगर आपसे एक नंबर आप शॉर्ट वेरी माफ करिएगा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछी जाए तो आपको केवल और केवल इतना ही आपको लिखना है। शॉर्ट आंसर नोट्स लिखने, जब भी आपसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक कोड, तो आपसे कम से कम दो प्रश्न पूछेगा, ऑप्शन दे देगा ए और बी, दो प्रश्न दे देगा। यहाँ पर जेनेटिक कोड दे देगा और दे देगा पीबीसी यानी पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इस पर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं, क्या पूछा गया है, पूछा गया है एनाल व्हाट आर एनाल्जेसिक एजेंट, एनाल्जेटिक एजेंट क्या होता है पूछा गया दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आंसर लिखेंगे एन एनाल्जेसिक इज डिफाइंड एज ए ड्रग दैट रिलीव ए पेन। एक एनाल्जेसिक को एक दवा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो दर्द राहत, जो दर्द से हमें क्या देता है, राहत देता है। एनाल्जेनिक आर क्लासिफाइड एज ओपटाइड एंड नॉन ओपटाइड। को एनाल्जेसिक और एडजुवेंट आर ड्रग्स डेट हैव द प्राइमरी इंडिकेशन अदर देन पेन बट एनाल्जेसिक इन सम कंडीशन। दोस्तों एनाल्जेसिक जो है एक प्रकार के दवा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है जो दर्द राहत देता है, जिससे इससे क्या मिलता है, हमें दर्द की राहत मिलता है। दर्द नाशक दवाओं को ओपिओइड और गैर ओपिओइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सह एनाल्जेसिक या सहायक दवाएँ ऐसी दवाएँ हैं जिनमें दर्द के अलावा प्राथमिक संकेत है, लेकिन कुछ हालात तक इन्हें एनाल्जेसिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार से एनाल्जेसिक क्या है आपको बताना है कि एनाल्जेसिक एजेंट जो होती है एक प्रकार की दर्दनाशक दवा होती है और ये दर्दनाशक दवा के रूप में परिभाषित की जाती है। दर्दनाशक दवाओं में कई ओपीओपटाइड और गैर ओपीओपटाइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ये इसमें कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो सहायक रूप में दर्द के साथ साथ प्राथमिक संकेत के रूप में भी वर्क करती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगर आप आज ये प्रश्न तैयार कर ले जाते हैं तो इसी में से आपके शॉर्ट आंसर आएंगे। ये मानकर चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएगा, इतना आप तैयार कर लेंगे तो 20 नंबर का प्रश्न तैयार हो जाएगा, साथ ही साथ कम से कम इसमें से दो तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 20 नंबर उधर हो गया और 20 इधर जोड़ दीजिए, 40 नंबर का क्वेश्चन आज के इस प्रश्न पत्र से, इस मॉडल चाल पेपर से आपको मिलने हैं अगर आपको कंप्लीट तैयारी करनी है। तो सभी लोग निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए यार, इतनी मेहनत करके मैं आप लोग के लिए क्लास लाता हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा कॉपरेट करने का प्रयास करिए। चलिए अगला प्रश्न है, इज पैरासीटामॉल इज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, क्या पैरासीटामॉल एंटी इन्फ्लामेटरी है। अब इसका आंसर आपको लिखना है, आप लिखेंगे पैरासीटामॉल इज ए गुड पेन किलर इज लेस लाइकली टू केस साइड इफेक्ट। पैरासीटामॉल एक अच्छा दर्द निवारक है, इसके दुष्प्रभाव होने की संभावना कम होती है। अल्ट्रा द पैरासीटामॉल डज नॉट रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन, इट इज ऑफन द प्रीफ्रेड पेल किलर फॉर मस्कल एंड ज्वाइंट्स कंडीशन। दोस्तों हालांकि जो पैरासीटामॉल जो होता है वो सूजन को कम नहीं करता है, अक्सर मांसपेशियों और जोड़ों की स्थिति में दर्द का कारण बनता है बनाता है, लेकिन थोड़ी सूजन होती है, इससे क्या होती है शरीर में थोड़ी सी सूजन होती है। उदाहरण के लिए जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस,
इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। पैरासीटामॉल इज ए गुड पेन किलर, इज लेस लाइकली टू केस साइड इफेक्ट, अल्ट्रा द पैरासीटामॉल डज नॉट रिड्यूस इन्फ्लामेशन। पैरासीटामॉल जो होता है वो सूजन को कम नहीं करता है, अक्सर मांसपेशियों और जोड़ों की स्थितियों में जो दर्द का कारण बनता है उसमें थोड़ी सी सूजन होती है, और इसके कारण उसमें ज़्यादातर जो दर्द होते हैं उनको कम करने का प्रयास करता है। तो पैरासीटामॉल एक अच्छे जो है आप पेनकिलर के नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जान लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ड्राई ब्रैक्स इक्वेशन। पूरा का पूरा अगर पूछा जाए कि ड्राई ब्रैक इक्वेशन फॉर द डिफ्रेक्शन ऑफ एक्सरे बाई क्रिस्टल, तब आपको पूरा डेरिवेशन देना पड़ेगा और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लॉन्ग आंसर में। यहाँ पर केवल आपको केवल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को तैयार करना है, आपको तैयार करना है ब्रैक्स इक्वेशन क्या होता है। तो ब्रैक्स इक्वेशन दैट स्टेटिंग ऑफ एक्सरे बाई द क्रिस्टल कुड बी टेकन टू बी इक्विवेलेंट ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर सक्सेसिव प्लेन्स ऑफ एटम इन द क्रिस्टल। ब्रेग ने पाया कि क्रिस्टलों द्वारा एक्स किरणों द्वारा जो प्रकीर्णन क्रिस्टल में परमाणुओं के उत्तरोत्तर तलों द्वारा परिवर्तन माना जा सकता है। हाउएवर अनलाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑर्डिनरी लाइट रिफ्लेक्टिंग ऑफ एक्सरे टेकिंग प्लेस ओनली एट सम डिफाइंड एलेक्स एंगल्स विच डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स इन क्रिस्टल। दोस्तों साधारणतः प्रकाश के परिवर्तन के विपरीत क्रिस्टल द्वारा एक्स किरणों का परिवर्तन केवल कुछ निश्चित कोणों पर ही होता है। जो एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य पर क्रिस्टल तलों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। द फंडामेंटल इक्वेशन विच गिव ए सिंपल रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे द इंटरप्लेनर डिस्टेंस इन द क्रिस्टल एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज ब्रैक्स इक्वेशन। दोस्तों एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य या क्रिस्टल के अंतरलीय दूरी पर परिवर्तन के कोण के मध्य संबंध को बताने वाली मूल समीकरण को ब्रैक्स समीकरण कहते हैं या ब्रैक का इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। इतना आपको तैयार करना है ब्रैक्स के इक्वेशन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया है आपसे, राइट ए शॉर्ट नोट आर्ट पीवीसी, पीवीसी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, पॉलीवाइनिल क्लोराइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH2CHCl होता है। अब आपको शॉर्ट नोट में लिखना हो या वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना हो तो आप लिखेंगे द एडिशन ऑफ HCl टू एसिटिलीन गिव द वाइनिल क्लोराइड विच व्हेन द पॉलीमराइड बाई प्रोड्यूस पॉलीवाइनिल क्लोराइड दिस पॉलीमराइजेशन इज नोन एज वाइनिल पॉलीमराइजेशन एंड इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड एंड प्रोसीड द वाई फ्री द रेडिकल मैकेनिज्म। दोस्तों एसिटिलीन में जब HCl मिलाने से हमें वाइनिल क्लोराइड प्राप्त होता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वाइनिल क्लोराइड मिलता है जो पॉलीमराइज किया जाता है, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी पीवीसी का उत्पादन होता है। कब होता है उत्पादन, जब एसिटिलीन को HCl मिलाते हैं, तो वाइनिल क्लोराइड मिलता है, और जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तब हमें प्राप्त होता है वाइनिल क्लोराइड। यह पॉलीमराइजेशन विनी पॉलीमराइजेशन के रूप में पाया जाता है और ये पराक्साइड की उपस्थिति में होता है और फ्री रेडिकल तंत्र के माध्यम से आगे बढ़ता है। इतना ही आपको लिखना है पॉलीवाइनिल क्लोराइड के सापेक्ष में, ठीक है। आपको फॉर्मेशन जब पूछा जाएगा तब आपको फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज देनी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है व्हाट इज नायलॉन, नायलॉन क्या होता है, नायलॉन से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा भी।
तो आप लिखेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैविंग एन एमाइड लिंकेज आर टर्मेड एज पॉलीएमाइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइल डाइएमीन इज हीटेड टू 270 डिग्री सेल्टीग्रेड ए पॉलीएमाइड नोन एज नाइलॉन 6-6 फॉर्मेट। दोस्तों एमाइड लिंकेज वाले संघनन पॉलीमर्स को पॉलीएमाइड्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब एडिपिक एसिड को हेक्सामेथिलीन डाइएमाइड के नमक को 270 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब नाइलॉन 6-6 के रूप में जानने वाला पॉलीएमाइड बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नाइलॉन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसको आप तैयार करेंगे। चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है डिस्कस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ कलर इन डाइन, रंगों में रंग का इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा की चर्चा कीजिए। आपको आंसर लिखना क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आर द प्रपोज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर इन डाइन, यानी कि डाई में रंग की अवधारणा को समझाने के लिए दो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कौन सा है, बी ई और एम ई, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया है। इनके मुख्य अंतर है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के सिद्धांत के रूप में इलेक्ट्रॉन के जोड़ का निपटारा किया जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में अकेले निपटारा किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जब पूछी जाए आपसे रंगों के रंग का इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा, तो आप लिख देंगे टू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरीज आर परपोज टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर इन द इन देयर आर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। द चीफ डिफरेंस बिटवीन देम इट इज द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी द इलेक्ट्रॉन आर डिफॉल्ट विथ ए पेयर्स बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दे कैन डिफेक्ट विथ सिंगल। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि डाई में रंग की अवधारणा, तो आप लिखेंगे कि डाई में रंग की अवधारणा को समझाने के लिए दो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिए गए हैं, पहला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो होता है वो सैद्धांतिक रूप से इलेक्ट्रॉन के जोड़ का निपटारा करता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है अकेले निपटारा करता है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, इतना ही आपको केवल लिख देना है। अवधारणा की चर्चा पूछा गया है दोस्तों। चलिए, तो कुल मिलाकर के आज हमने लगभग 30 प्रश्न सॉल्व किए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, जिसके साथ हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्नों को हल किया और मैंने समझाने का आप लोग को प्रयास किया। अगर दोस्तों आप लोग इन प्रश्नों को, इन 30 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आपके जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने हैं, जैसे कि मैंने प्रोटीन नहीं दिया है कि प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, तो ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये मैंने पहले भी बता दिया है, तो इसलिए मैंने वो नहीं दिया है। मैंने उन्हीं प्रश्नों को चूज किया है जो आपके एग्ज़ाम में इस बार बनने वाले हैं, आपके पूछे जाने वाले हैं। तो इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे आप, यहीं से आपके सारे प्रश्न आएंगे। और जितने भी छात्र छात्राएँ जुड़े हुए हैं, सभी लोग से निवेदन है कि क्लास के टाइम पर आप लाइव आ जाया करिए, क्लास को पूरा देखा करिए। आप सबकी रिक्वायरमेंट है, सर आप क्वेश्चन पेपर देते हैं लेकिन उसका सलूशन नहीं कराते हैं। आज ही आपको लॉन्ग आंसर, देखिए शॉर्ट आंसर आपको मिल गया, लॉन्ग आंसर का PDF अभी आपको क्लास के बाद में टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप अपने इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो जूलॉजी की भी इसी प्रकार से कल सलूशन मैं आप लोग को दूंगा, चैप्टर बाई चैप्टर मैं आपको इम्पॉर्टेंट देने वाला हूँ। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग परेशान रहिए, जिनका ऑब्जेक्टिव होना है उनके लिए क्लास स्टार्ट हो चुकी है और अब आपकी रेगुलर क्लास होगी, मॉडल पेपर आपको जल्द ही दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा, और जितने भी छात्र छात्राएँ, जितने भी मेरे भाई बंधु हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और
आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं 9984947535 पर। आपकी कोई भी दिक्कत है आप कॉल करिए। हाँ ये है कि आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर कॉल का जवाब तुरंत नहीं दिया जाएगा तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जवाब दिया जाएगा, थोड़ा सा व्यस्तता रहती है इसलिए आप लोग के कॉल का जवाब तुरंत नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।